हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज का दिन तो भाई बहुत ही मस्त खुला है, क्योंकि आज बर्तन ही नहीं है धोने के लिए। मैं रात को ही निपटा दिए थे सारे, अभी दिखाऊंगा रसोई। और मैं बनाने वाला हूँ पोहा, और आज का दिन होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे दोस्त आने वाले हैं रात को। और हमारी प्रिय शिवांगी भी उठ चुकी हैं, अपना कुछ कार्यक्रम कर रही हैं, शायद वेट नाप रही हैं। इनकी वेट लॉस जर्नी या फिर डाइट की जर्नी, जो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इनके चैनल को भी। आमूमन तौर पे ऐसा होता नहीं है कि इतनी जल्दी ये उठ जाए और हमें फ्रेश फ्रेश मिले। आज मिला है ऐसा मौका, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, मैं तो कहता हूँ। तो ये देखो भाई, रात को ही निपटा दिए गए हैं बर्तन सारे। ये भी साफ मिला, बढ़िया मजे आ गए आज। और बन रहा है पोहा। पोहा के लिए मैंने कटिंग कर ली है, ये प्याज, ये है शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर और हरी मिर्च। और ये शिवांगी बना रही है अपनी स्मूदी, उसके लिए केला और नाशपाती। Cheers, Varu. Cheers, smoothie. आज ये व्हाइट कलर की, इसलिए हमारा वो कोको पाउडर खत्म हो गया था। But yeah, nevertheless, very tasty. Very tasty smoothie. Chai recipe. जोरदार स्मूदी तो हमने पी ली है, और अब आ चुका है हमारा पोहा, और साथ में चल रहा है जमतारा, और वो रही शिवांगी अपनी कॉफी लेके आ रही है। क्या है हाथ में तेरे, क्या है? फेंक देगी कुछ, तोड़ देगी। शिवांगी का यही चलता है अभी, ये नीचे बिखरे मिलेंगे ओट्स। पता नहीं आपको आवाज आई होगी नहीं आई होगी, कह रही है एक दिन मस्त गिरे थे, हफ्ते भर उठाती रही थी। हंसो अब, बढ़िया शो चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगा पता नहीं, अभी मैरी आए आपकी बार। आज वरु लग गया है रस्सी लगाने में, कुछ दिन पहले टूट गई थी हमारी। आहा वरु, क्या है आज जो है, हमें काफी सारी चीजें निपटानी है। ये चादर वादर तो हमने झाड़ के कर दी है, और अब हम जो है हम करेंगे इसकी सफाई। हम करेंगे, are you sure? हाँ कर लेंगे यार, हम करेंगे, हम? हाँ हम यूजली ये कर रही होती है ना, जान अटकी हुई है, जैसे अंडरटेकर की जान कबूतर में अटकी हुई थी ना, इसकी सफाइयों में अटकी हुई। अभी जो है डस्टिंग का काम हो चुका है खत्म, अभी घर की सफाई जो है वो इन प्रोसेस है, और वो शिवांगी कंप्लीट करेगी, क्योंकि ये सब उसका काम है, मेरा नहीं है। हा हा। और ये रही, कर रही है हमारी प्रिय है शिवांगी, और मैं बैठ रहा हूँ अब काम पे। बीटने का काफी सारा काम निपटाना है मुझे, और फिर उसके बाद हम शूट्स और फिर कुछ वीडियोज हैं एडिट करने के लिए, वो खत्म करेंगे। वैसे तो मैं बता चुका हूँ पहले भी एक व्लॉग में कि बीटनिक क्या है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बीटनिक एक फैशन ज्वेलरी ब्रांड है जो मैं और शिवांगी साथ में मिलकर चलाते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है या थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, तो मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी लिंक्स रहेंगे, और कहीं ना कहीं स्क्रीन पे भी इंस्टाग्राम पेज में मेंशन कर दूंगा। अभी चल रही है बाहर के कमरे में सफाई, तो मैं अंदर आ गया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ जहाँ पे भी शिवांगी सफाई कर रही होती है। बहुत ही ज़्यादा इधर उधर उठना पड़ता है, तो मैं अलग ही कमरे में आ जाता हूँ। तो वो वाला जो लैपटॉप है वहीं है जहाँ पे मैं बीटने का काम कर रहा था। अभी मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ इतने, जब तक बाहर काम चल रहा है। मैंने घर कर दिया है चकाचक क्लीन। देखिए ये कूड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि ये जाएगा कूड़े में। बट जस्ट लुक हाउ प्रीटी घर लुक्स, क्या मस्त व्यू है। आई जस्ट लव दिस छोटा सा व्यू ऑफ आवर लिविंग रूम। अभी 3 बज चुके हैं, और अब मैं लंच प्रिपेयर करना शुरू कर रहा हूँ। मुझे छोले बनाने हैं, और साथ में मैं शायद चावल बना लूँगा, और प्लस शिवांगी की जो भी सैलेड की चॉपिंग है वो मैं करके रख दूँगा, और वो गई है नहाने, और वो जैसी आएगी अपना स्पेयर सैलेड प्रिपेयर करेगी। तो शिवांगी के सैलेड के लिए चॉपिंग मैंने कर दी है, और ये थोड़ी अदरक मैंने ज़्यादा निकाल ली थी, तो उसके मैंने लच्छे बना के नींबू और नमक के उसमें कर दिया। काफ़ी मज़ा आता है खाने में, अगर आपने नहीं खाया है एक बार बना के ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये हो गई मेरी चॉपिंग, और मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए छोले। मतलब शिवांगी ने थोड़े से एक्स्ट्रा उबाले थे, तो एक टाइम का मेरा इसमें हो जाएगा, इसलिए मैंने टमाटर थोड़े कम किए हैं, प्याज थोड़े ज़्यादा हो गए, पर कोई बात नहीं, आई थिंक ठीक ठाक मसाला बन जाएगा। तो शिवांगी आ चुकी है अपना, अभी ये बना रही है, जिसमें इसको चॉपिंग होके मिल गई ये सब कुछ। थैंक यू वारो, यू आर वेलकम शिवांगी। मैंने कहा भाई कपड़े पहन ले गाइस, मैं दोबारा बदलूंगी, आई जस्ट मेरे गर्ल्स की पहनूंगी। और ये मेरा मसाला हो रहा है तैयार, काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। अभी पानी डाला मैंने, थोड़ा लाल हो जाएगा।
सूख जाए। काफी कुछ है इसमें, अमचूर, किचन किंग, छोले मसाला, बहुत कुछ। और ये देखिए ये क्या रंग ला रही है, अदरक हमारी पिंक पिंक हो चुकी है। चाहो तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हो जो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, तो वो दोनों मिक्सचर होके भाई बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। छोले मेरे हो गए हैं रेडी और मैं थोड़ा चख के देखे, बहुत ही मस्त बने हैं और मुझे ऐसी पसंद है थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी के साथ, जो कि हो बहुत ही स्पाइसी ताकि चावल के साथ खाने में मज़ा आए। मैंने साथ साथ चावल भी उबालने रख दिए थे तो मेरे चावल भी उबल के तैयार हैं। अब हम करेंगे अपना लंच। तो ये रहा मेरा लंच, छोले चावल बहुत ही मस्त ग्रेवी के साथ और साथ में हमारा अदरक का पिकल। और ये ऋषि वांगी, इसने भी ले लिया इसमें अदरक का पिकल। और अब हम देख रहे हैं साथ में जामतारा। लंच हम लोगों ने कर लिया है और उसके बाद शिवांगी ने मेरे लिए चाय बना दी थी, बहुत ही टेस्टी, सो स्वीट शिवांगी, पता चला। और अब हम लोग थोड़ा काम वाम कर चुके हैं, निपटा चुके हैं और इस टाइम पे बादल बनाए हैं थोड़े से, काफी टाइम बाद बने हैं ऐसा। ठंडी हवा चल रही है। हाँ, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। तब तक मैं हो जाता हूँ थोड़ा रेडी, नहा धो लेता हूँ और ट्रिमिंग कर लेता हूँ, स्मार्ट ही बन जाएंगे फिर। अब मिलते हैं सीधा वॉक पे। मैं तो हो गया हूँ नहा धो के रेडी और शिवांगी भी तैयार है। हम लोग जा रहे हैं अब वॉक के लिए। रात को हमारे दोस्त आने वाले हैं, वो दिखाएंगे आपको, उनकी प्राइवेसी बिल्कुल इंट्रूड कर देनी है हमने आज। वाफल अपनी वॉक से एक पिट स्टॉप मारा है बिकॉज वरुण वाज क्रेविंग फॉर सम फ्रेश पाइनएप्पल जूस। भाई मैं बता रहा हूँ बहुत ही मस्त थिक है, कुछ भी और एडिंग नहीं है, सिर्फ पाइनएप्पल है। और मैं जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा ही था, यहाँ के पाइनएप्पल बिल्कुल आम की तरह मीठे होते हैं। मेरे को स्मेल आ रही है, बहुत मीठी, बहुत ही मस्त। एंड दिस इज जस्ट जूस, फ्रेश जूस वॉक पे पी रहे हैं हम। मेरा भी यहीं पर है। हाँ, अभी गिरा Looks yummy. मैं तो कह रहा हूँ अगर आप कभी गोवा आ रहे हो ना भाई, छोड़ो बियर वियर पार्टियाँ शार्टियाँ, आप बस फ्रूट्स खाओ पियो यहाँ पे आके। अब हम लोग पहुँच गए हैं जिम, अपना आधा घंटे के आसपास का वही वर्कआउट रहेगा। आज हम करेंगे शोल्डर्स, है ना, आज हम शोल्डर्स करेंगे। सो आर वर्कआउट इज डन, अब हम जा रहे हैं घर। तो ये शिवांगी बना रही है अपना रोस्टेड पनीर, बढ़िया बनाती है इसको, एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कर लेती है और उसमें डालती है मैगी मसाला और सीधा दवे, ये दवे सीधा दवे पे दावा मारती है। चुप रहना शिवांगी, एक गलती नहीं हो सकती इंसान से, है ना। हाँ, एक गलती तो नहीं हो सकती इंसान से भैया। तो सीधा इस तवे पे डालती है और ये तवा मैं बताऊं भाई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिल्कुल इस पे चिपकता नहीं है, इस पे डायरेक्टली सेकती है। मेरे तो बिल्कुल नहीं चिपकता था भाई, इसके चिपक जाता है। हे भगवान, इधर घटिया जोक मार रहे हैं। ये तवा भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं बोल रहा था कि इस पे बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह निकलती है भाई चीजें, कुछ नहीं चिपकता और देखो कोई कोटिंग वोटिंग भी नहीं उतरी है। मैं तो तहे दिल से खुश हूँ इस तवे से। मैं भी। और मैं खाने वाला हूँ अपने चावल, चावल जो कि मेरे थोड़े से बच गए थे, और छोले मेरे पड़े हैं हल्के फुल्के, और एक रोटी लायक आटा है, मैं रोटी बना लूंगा। एक चीज और जो मैं सोच रहा हूँ बर्तन फिर से निपटा लिए जाए रात रात में, ताकि सुबह का कलेश खत्म हो थोड़ा। आज मैं काफी खुश था बर्तन ना देख के अपने जीवन में। और इधर भुनी जा रही है मूंगफलियां। तो ये देखो, ये होता है शिवांगी का पनीर, बढ़िया एकदम तवे पे सिका हुआ, बहुत ही मस्त लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो गाइस, हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। यही है जिसने हमें आईफोन दिलवाया था, और ये ध्वनि हमारी बहुत पुरानी दोस्त प्रिय मित्र। और अभी हम इनको ले जा रहे हैं कुछ खिलवाने, ये भूखे हैं, लाइफ दिखाने। और ये रही अपनी शिवांगी। यो, हम लोग पहुंच गए हैं घर, हम गए थे जैतून। वापस ले, क्यों मैं ये तो मैं लूंगा वीडियो में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर, हम गए थे जैतून, वहां से हमने लिए कुछ मोमोज और साथ में खाए, क्या खाया था शिवांगी, शॉर्मा एंड मोमोज खाए। अनुराग को ये खाना था, बहुत ही वाज विलिंग टू हैव दिस थिंग्स। अनुराग का कोई चैनल नहीं है गाइस, ही इज जस्ट बुलशिटिंग यू। I think these guys are kind of wasted, so we'll just end the vlog here. Yes, you know what you have to do? You have to don't like and don't subscribe. You have to subscribe to the channel.
बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो जो भी तुम्हें कुछ मस्त लगता है और उसके साथ साथ उसके साथ साथ नेक्स्ट व्लॉग का भी इंतजार करना बिकॉज हम इन गाइस को कहीं ना कहीं लेके जाएंगे तो वो भी हम व्लॉग करेंगे. सो गुड नाइट गाइस गुड नाइट. मुझे 100 रुपए देके बुलाया जा रहा है.